नमस्ते दोस्तों, MCL विलेज प्रोजेक्ट ये क्या है इसकी जानकारी आप लोगों को देने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों MCL भारत भर हर तालुका में जो प्रोजेक्ट लगा रही है वो हर तालुका के हर ग्राम पंचायत में और एक प्रोजेक्ट लगा रही है। उस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं MCL विलेज प्रोजेक्ट, मतलब कि MVP प्रोजेक्ट। अब ये MVP प्रोजेक्ट क्या है, ये कैसे काम करेगा, इसके लिए क्या क्या करना होगा, ये बहुत से सवाल हमारे MVP एंटरप्रेनर और तालुका एंटरप्रेनर के मन में है, तो एक एक करके मैं इस विस्तार में आप लोगों से चर्चा करूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो MCL विलेज प्रोजेक्ट जो है वो हर ग्राम पंचायत में एक सेट होगा। हो सकता है उस ग्राम पंचायत में एक गांव हो, दो गांव हो या तीन गांव हो या अधिक भी हो, मगर हम ग्राम पंचायत को कंसिडर करते, गाँव को कंसिडर नहीं करते। इसलिए हर ग्राम पंचायत लेवल पे एक प्रोजेक्ट लगेगा जिसे हम कहते हैं MCL विलेज प्रोजेक्ट। अब दोस्तों ये MCL विलेज प्रोजेक्ट क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। दोस्तों भारत में एक व्यवस्था है पोस्ट ऑफिस की, आप सबको पता है, और उस पोस्ट ऑफिस का हर गांव में एक लाल डब्बा होता था पहले, ग्राम पंचायत में, वाड़ी में, हर जगह पे। उस डब्बे में अगर हम कोई लेटर डालते थे तो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता था। इसी तरह का रोल MCL विलेज प्रोजेक्ट का है। उस ग्राम पंचायत के जो हमारे किसान भाई है, जो महिलाएं हैं, जो हमारे MPO के सदस्य है, वो जो कुछ एक्टिविटी वहां पे करेंगे, वो जो भी कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट MCL की व्यवस्था से भारत भर और पूरे देश में पहुंचे, ये उसका काम है। दूसरा, हमारा जो रॉ मटेरियल होगा, जो नेपियर ग्रास होगा, वो MCL को पहुंचाने का काम ये भी हो सकता है MVP प्रोजेक्ट के माध्यम से हो। शुरू में हर MVP प्रोजेक्ट को 1, 2, 3, 4 हेक्टर डिपेंड अपॉन उस तालुका की साइज बायोमास फार्मिंग का काम दिया जाएगा। धीरे 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 जैसे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ेगी, बायोमास फार्मिंग बढ़ेगा। अब ये MVP प्रोजेक्ट एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हर तहसील में हमारा हर प्रकार का जो काम है, जैसे कि सेमिनार कंडक्ट करना, ट्रेनिंग कंडक्ट करना, किसानों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना, हमारे किसानों को हमारे इनपुट्स का, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हो, चाहे वो अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सीड हो सकते हैं, वो देना, ये सारा काम होगा। ये MVP प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उस एंटरप्रेनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो MCL के साथ 1.50 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए का है। ये पैसे एज अ जॉइंट वेंचर फी उनको MCL को देने हैं। इसके अलावा 1 हेक्टर यानी कि 2.5 एकड़ जमीन उनकी होनी चाहिए, जिसमें से आधे एकड़ में एक प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा, जिसमें आगे जाके ट्रेनिंग से लेके अपने प्रोडक्ट तक की सारी काम वहां से किए जाएंगे। दूसरा, उनका जो वो जमीन होगी आधा एकड़, उसका ग्राम पंचायत का परमिशन, उनकी पानी का परमिशन और उनका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन, ये चीजें उनको करनी है। उस आधा एकड़ जमीन को फेंसिंग करके वो रखना है। दूसरा, 2 एकड़ जमीन या और 1 हेक्टर, 1.5 हेक्टर, 2 हेक्टर जमीन जिसमें इनिशियली हमारे MVP वाले ही बायोमास फार्मिंग करेंगे, और ये जो बायोमास फार्मिंग वो करेंगे वो MCL अपने प्रोजेक्ट के लिए उनसे इनिशियली बायबैक करेगी। अब बात ये होती है कि बाकी के किसान जो है वो भी क्या पहले दिन से बायोमास फार्मिंग करेंगे, तो वो डिपेंड है कि किस कैपेसिटी से वो प्लांट स्टार्ट होता है। अगर शुरू में 10 TPD से स्टार्ट हुआ तो कम लोगों को मिलेगा, 20, 30, 100, 200, 500 TPD तक जा सकता है, और जब 500 TPD तक जाएगा तब 10 से 15 हजार हेक्टर जमीन बायोमास फार्मिंग में आएगी, बट ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। दूसरा, हर किसान को हम प्रोत्साहित करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय में मैं और एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, बट शॉर्ट में कहूंगा, आज हमारे जो फूड चेन में पेस्टिसाइड्स घुस चुके हैं, जो केमिकल घुस चुके हैं, उसको हमको निकालना है, और उसकी जो व्यवस्था है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो MPO और MVP दोनों के सपोर्ट से होगी। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा वो प्रोडक्ट MPO भी और MVP भी लेके उसे प्रोसेस करके MCL की सिस्टम में वो सप्लाई करेंगे। अब दोस्तों 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, 1 हेक्टर जमीन हो गई, ग्राम पंचायत की परमिशन, पानी का प्रोविजन, लाइट का प्रोविजन, उस आधा एकड़ जमीन का फेंसिंग, ये तो हो गया। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर MVP प्रोजेक्ट को प्रॉफिट क्या होगा,
क्योंकि हर व्यक्ति ये जानना और समझना चाहता है कि भाई हमें ये करने का क्या बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों टेक्निकली मैंने बताया शुरू में कम मात्रा में बायोमास फार्मिंग होगा, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग जितना हम ज्यादा कर सकते उतना हमारे देश के लिए अच्छा है, धरती माता के लिए अच्छा है और हम सबके लिए अच्छा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां से होगा, हो सकता है कुछ गैस एजेंसी है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो लोगों तक पहुंचाने के सेंटर भी एमबीपी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो एमसीएल ऑलवेज ये चीज का ध्यान रखेगी कि एमबीपी प्रोजेक्ट को प्रॉफिट होना चाहिए। माध्यम कुछ कम कुछ ज्यादा अलग अलग हो सकते हैं, बट प्रॉफिट उनको मिले इसकी पूरी गारंटी और पूरी जिम्मेदारी एमसीएल ले रही है। वो प्रॉफिट शुरू में पर मंथ 30-40 हजार से शुरू होके धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स वो 3-4 लाख रुपए महीने या उससे अधिक भी हो सकता है। तो एमबीपी प्रोजेक्ट ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह है, पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है या एक हमारा नेटवर्क है, हम लोगों का, आपका, मेरा, एमसीएल का, हम सबका मिला के एक नेटवर्क है, जो नेटवर्क हर प्रकार की एमसीएल की जो आवश्यकता है वो सारी वहां से पूरी करेगा। आज कुछ आवश्यकताएं हमने बताई है, कुछ आवश्यकता ऐसी है जो भविष्य में आएगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी स्कोप एमबीपी का हो सकता है। बट मोटे मोटे तौर पे अगर आपको कहूं तो एमबीपी प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपया, 1 हेक्टर जमीन जिसमें से आधा एकड़ प्रोसेसिंग सेंटर के लिए, उसके अलावा ग्राम पंचायत परमिशन, लाइट परमिशन, पानी की व्यवस्था, और इन एमबीपी वालों को 200 से 250 उस ग्राम पंचायत के लोगों को एमपीओ का सदस्य बनाना है या बनाने के लिए हमारे एमपीओ टीम की, हमारे तालुका एंटरप्रेन्योर की मतलब एमबीएस की, एमबीएस को सपोर्ट करना है। ये पूरी व्यवस्था जो है ये एमबीपी प्रोजेक्ट है और ये एमबीपी प्रोजेक्ट एकदम क्लियर है कि आपका अभी जो एक आपको और एक इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा क्योंकि जो नए लोग होंगे उनको शायद पता नहीं होगा, कुछ समय पहले तक एमबीपी प्रोजेक्ट को 25 लाख की लोन करनी थी जिसका मार्जिन मनी डिपेंड अपॉन कैटेगरी 1.5 से 2.5 लाख, 2 लाख 2.5 लाख तक उनको बैंक को भरना था लोन के समय। ये पूरा का पूरा पॉइंट एमसीएल ने निकाल दिया है। अब एमबीपी प्रोजेक्ट को कोई लोन नहीं करनी है और जो एमबीपी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा फंडिंग का, जो भी होगा, 2 लाख हो, 20 लाख हो कि 2 करोड़ हो, वो पूरा का पूरा आवश्यकता के अनुसार एमसीएल इन्वेस्ट करेगी और एमसीएल उसके अगेंस्ट बहुत नॉमिनल बेनिफिट लेगी। किसी प्रकार का कोई एक्सप्लोटेशन करना ये एमसीएल का लक्ष्य ही नहीं है। इस बारे में एमसीएल के डायरेक्टर लवेश जाधव सर से मेरी बात हुई थी तो डॉक्टर लवेश जाधव सर ने बहुत सादे शब्दों में मुझे कहा कि एमसीएल का उद्देश्य साहूकार बनना नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि एमसीएल जो भी करेगी वो हमेशा फेयर पॉलिसी होगी और आपके भले की होगी। अब इस एमबीपी प्रोजेक्ट में और एक डेवलपमेंट आया है, ये डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है और वो है कि अगर कोई महिला बचत गट या सेल्फ हेल्प ग्रुप, चाहे वो महिलाओं का हो चाहे किसानों का, रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे नया बना के रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई ग्रुप उस ग्राम पंचायत के लिए रजिस्टर्ड है और ऐसा कोई ग्रुप उस ग्राम पंचायत के 200 से 250 लोगों को हमारे एमपीओ का सदस्य विद इन अ गिवन ऑफ टाइम, मतलब 30 से लेकर 45 दिन के अंदर अगर जोड़ता है, तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप या महिला बचत गट को या किसान गुट को फ्री में एमबीपी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, मतलब उनसे 1.5 लाख रुपए भी लिए जाएंगे नहीं। अगर इंडिविजुअल व्यक्ति को बेनिफिट मिल रहा है तो कंपनी उससे ज्वाइंट वेंचर फी ले रही है, बट एज अ ग्रुप अगर ज्यादा लोगों को यह बेनिफिट मिल रहा है तो कंपनी का लक्ष्य लोगों से पैसे लेना नहीं है। तो कंपनी ऐसे केस में कोई पैसे उनसे नहीं लेगी, बट कंडीशन रहेगी कि वो इतने लोगों को हमारे एमपीओ के साथ जोड़े। तो ये पूरा का पूरा जो बेसिक्स मैंने बताया एमबीपी प्रोजेक्ट का, आशा करता हूं कि इससे आपके बहुत सारे विषय क्लियर हो गए होंगे। दो चीज सिंपल है, एमसीएल आपके लिए सब कुछ करेगी, जो आवश्यकता होगी आपको खड़ा करेगी, आपको सपोर्ट करेगी और आपको ऑलवेज प्रॉफिट हो चाहे माध्यम कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी लेगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आशा करता हूं आपको एमबीपी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सी बातें क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच।